हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डैडी डैडी डैड। क्या खा रहा है? मैंने चॉकलेट केक। चॉकलेट केक खाना है। चले बाइट कर। किसका है ये चॉकलेट केक? मेरा। अरे वाइट वाला। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम नेशनल हाईवे 5 पे खड़े हैं और यहाँ ट्रक्स का जो है वो वजन करते हैं। बाल आते कितना है? मैंने एलोवेरा जेल लगाई है। तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों हुआ है? वो देख कितना बड़े बड़े ट्रक आ गए हैं, लोडर ट्रक। क्या गाड़ी पे बैठे हो आप? ब्लू ट्रक पे क्यों नहीं बैठे? हाँ कौन सा? वाइट ब्लैक। न्यू सिटी जाते हुए हमें नज़र आता है ये बाइकर्स का ग्रुप, और मुझे याद आता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ इसी तरह जाया करता था। जाता तो खैर अभी भी हूँ। दोस्तों के साथ इस तरह बाइक पे टूर मारने का अपना ही मज़ा आता है। इन्होंने सारों ने निकर पहने हुए हैं तो इसका मतलब है ये खानपुरी जा रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट लेन में रक्षों की पार्किंग की वजह से ट्रक राइट मोस्ट लेन में चलते हैं, तो इनको ओवरटेक करने के लिए हमें बार दफ़ा ख़तरनाक ड्राइविंग करनी पड़ जाती है। ये क्या है? ये जो लेटा हुआ है ये क्या है ये बताओ मुझे। बुल। ब्लैक वाली को जो है वो क्या कहते हैं? बफलो। और वो वाला वो देखिए गंद में ही लेटती जा रही है। हाँ ये पानी गंदा हमारे ऊपर भी फेंकेगी। हम जा रहे हैं अभी न्यू सिटी में लायंस देखने। वो सामने लायंस का पिंजरा है। आवाज़ है ना, इतनी छोटी आवाज़ से तो नहीं आएगा ना वो। और तो क्या इधर आओ, डिनर पे नहीं बुलाना उसे, ज़रा ज़ोर से बुला। ओए इतनी प्यारी है, इधर आ, इधर से वो हेलो कर रही है। इधर ये तो लाइन है। ना इला वो डिस्टर्ब होती है ना। हेलो ओ मानो कैट। लाइनस को जेल में बंद कर दिया है? हाँ। नया तो वैसे गलत बात है, हमें क्वारंटीन में बंद किया था तो इतना जो है वो मुश्किल हुई थी, और ये बेचारी जो है वो सारा टाइम इधर ही रहती है। मेल पता नहीं किधर है, अंदर सो रहा होगा। थोड़ी सी मोटी भी हो गई है ये, प्रॉबेबली शी इज़ डेवलपिंग ओबेसिटी। ये देखो बटरफ्लाई। तो अभी सीन बारबेक्यू वाला, मसाला सला लगा लिया हमने, और उसके लिए अब कोयले दरकार है। इनको पता था कि मैं आ रहा हूँ इसलिए आर्केड इतना अच्छा है, उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं सिरकप शहर के खंडरात को विजिट करने। इस शहर का स्ट्रक्चर
ग्रीक सिटीज़ के किसी भी शहर को देख लें, उसके स्ट्रक्चर के जैसा है बिल्कुल, जिसमें एक मेन स्ट्रीट होती है और उसके परपेंडिकुलर बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स होंगी उनको डेवलप कर दिया जाएगा। यहाँ पे खुदाई के दौरान जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिली वो ग्रीको बैक्ट्रियन किंग के सिक्के थे जिन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी थी। सिक्रप के इन खंडरात में एक राउंड स्टूपा भी मौजूद है जिसे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट छोटा सा स्टूपा जो भी कह लो इसको, वो एज्यूम किया जाता है। तो स्टोरी इसके मुताबिक जो है वो ये यहाँ पे मशहूर है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में बहुत एक बड़ा जलजला आया था, तब ये स्टूपा अपरूट हुआ था उधर से और उड़ के यहाँ पे आके जो है वो गिर गया था, और उसके बाद शहर के वासियों ने इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना ली थी। चलो जी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, मैं ज़रा वीडियो स्टॉप करके खुद पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ। ये है कुआं ख़त्म। ये सिक्रप के आसार हैं जी, ये हमारे चाइनीज फ्रेंड्स आए हुए साथ। जापानीज ये दरख्त क्या करें, ये जीप मर गया वहाँ पे। बंदा या बाबा जी वो बता रहे थे मुझे कि ये 100 साल पुरानी। ये जी मेन स्ट्रीट जा रही है, ये प्रॉब्लम मेन स्ट्रीट का स्टूपा लिखा हुआ है पे, मेन स्ट्रीट का स्टॉप फर्स्ट सेंचुरी। स्टूपा मेरे शुरू में जहाँ टेक्सला म्यूजियम है, टेक्सला म्यूजियम से पीछे वो एक जगह पर मुझे स्टूपा नज़र आ रहा था, वो काफ़ी ठीक हालत में था। दूसरा एक और मनक्याला स्टूपा है, मनक्याला स्टूपा की मेरी एक वीडियो है। यहाँ शॉप हुआ करती थी, दुकानें मेरे ख्याल से आज भी वैसी ही हैं। ये देखें ये यहाँ माली वगैरह जो है वो इसकी सफाई वगैरह करें क्योंकि ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी ऊपर, बड़े पत्थर जो है वो काट काट के इस तो तामीर किया गया था पूरे शहर। ये छोटा सा स्टूपा है, ओह सांप, मैंने उधर सांप देखा है। यहाँ पे था सांप, ओए इधर ना आई, हेल्प मी। तो ये है जी रिमेन्स दो सिरों वाले उकाब की छवि वाले मंदिर की, या अंग्रेजी में बोले तो डबल हेडेड ईगल स्टूपा। ऊपर से मेरे ख्याल से इसका जो गुंबद होना चाहिए था वो टूट चुका है, बाकी रिमेन्स जो हैं वो काफ़ी सॉलिड हालत में मौजूद हैं। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं यहाँ पर और इस साइड पे भी, अलावा 5 मुरब्बा भी, और इतना मैं चलने का दिल नहीं कर रहा, मैं बोर हो गया इस तरह की जगह पे। तो आई एम हेडेड टुवर्ड्स खानपुर डैम। ये सफ़ेदे के दरख्त सिर्फ प्यारे ही नहीं लगते, ये बिल्कुल लाहौरी कूलर की तरह काम करते हैं, ज़मीन में से मॉइस्चर खींच लेते हैं और हवा में बिखेर देते हैं और उसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है।
चाबी नहीं है इसकी मेरे पास। वाली चाबी दे दे अपनी। ये किसका है, कहाँ से लिया आपने ये मोटरसाइकिल है ये? हाँ। ये बड़ा अच्छा है। बाबा मुझे चाबी दे। वाली चाबी दे वाली। खेले। क्या स्टार्ट हो जाएगा? नहीं स्टार्ट होता। परेशान ना हुआ करो। फिर ढूंढते रहो चाबी, घड़ी टूट गई, परेशान नहीं होना। नहीं ले ले, नहीं है आवाम, घबराना नहीं है। वो इमरान खान के। शुक्रिया, चला चलें। रुको मैं इसकी बोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं और आर्यन सदर आए हुए हैं और बाबा ने ये वॉच दिया, तो आर्यन को तकलीफ हो रही है। क्या मसला बताएं ज़रा, हैं बताओ ना। आर्यन ने भी वॉच लेनी है। अच्छा बताओ कौन सी वॉच लेनी है? बड़ी वाली। ऐसा है, इसने भी ऐसी बड़ी वाली लेनी है। छोटी वाली वॉच पे हमारी लड़ाई हो गई है। ये कहता है कि बाबा ने बड़ी वॉच ली है तो बड़ी वॉच मुझे भी लेनी है। तो अभी वापसी पे हम आर्यन को इस तरह की बड़े वाली वॉच लेंगे। ठीक है, अभी हमने मंगाया गोलगप्पे। आर्यन क्या खाएगा? मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा। तेरे लिए जो है वो जूस जूस है। अच्छा ला जूस मुझे, ये तू खा ले। इसमें मिर्चे हैं, बता रहा हूँ तेरे लिए मीठा मंगवाया जूस। हाँ पूरा खाना होता है, वाइट तो नहीं होगी। वाइट है मुँह ना बनाना। इसको मिर्चों वाला पानी लगाते हैं ऐसे करके और ऐसे खाते हैं। हाँ उससे वो बोल बोल कर देगा नरम। भाई आर्यन चल बता, ये वाली अच्छी है या ये वाली अच्छी है? ब्लैक अच्छी है, ब्लैक ले लूँ। और ये वाली कैसी है जो बाहर लगी हुई है? ये वाली ब्लैक कैसी है बता मुझे, ये वाली बता। ये वाली बता कैसी है, कैसी है? अच्छी नहीं है ये? चल फिर एक ये ले लेते हैं। ठीक है, एक ये ब्लैक ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं वाइट। वाइट नहीं अच्छी लग रही। अरे चल ठीक है, ब्लैक ले लिया हमने। आर्यन क्या कर रहे हो, क्या मुसीबत है? तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये मुसीबत है। तो अभी अभी आए हम नाले में, ये आर्यन मेरे साथ है और अभी हम नाले में नहाएंगे। तो नहाते हुए हम अभी क्यों नहीं बनाएंगे। ये खानपुर की बैक साइड है। नए नाइश कर लिया हमने, बड़ी अच्छी जगह है। चेक करें, खानपुर का पानी यहाँ पे आता है और ठंडा पानी है। ओए नंगे गंद क्यों खा रहा है, चला चलें आ जा। ओके जी, नाउ वी आर रेडी टुवर्ड्स आवर होम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो हिट दैट लाइक बटन और बेल आइकन को भी दबाना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।